नमस्कार, मैं संतोष शर्मा, व्हाइट टोटल स्पिरिचुअलिटी के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नौ मुखी रुद्राक्ष के बारे में। नौ मुखी रुद्राक्ष उसको पहनना चाहिए जो जिंदगी में चाहता है लीडरशिप में सफलता पाए, जीवन में सम्मान पाए, जीवन में समृद्धि पाए, यश पाए, नेम एंड फेम की जिसको जरूरत है वो नौ मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। शरीर में ऊर्जा की कमी हो तो भी नौ मुखी रुद्राक्ष पहने। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर वेरी वेरी रेस्टलेस, बहुत बहुत उतावलापन हो, तब भी नौ मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि रुद्राक्ष होता है बैलेंसर। यदि मन करता है घर से भाग जाओ, रात को नींद नहीं आती और हरदम शरीर में एक रहता है कि उबाल सा रहता है, मन कहीं लगता नहीं, स्थिर नहीं रहता, उड़ता रहता है मन, यहां चला जाओ वहां चला जाओ, इससे बात कर लो उससे बात कर लो, तो अस्थिर मन भी हो तब भी नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको फायदा होगा। क्योंकि नौ मुखी रुद्राक्ष होता है राहु के लिए। राहु जिसका प्रबल हो, जो आप देख रहे हैं, जितने फोटो स्क्रीन में देख रहे हैं, सभी जो नेतागण को देख रहे हैं आप, सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, अब्दुल कलाम, मोदी जी, राजीव गांधी, सबको जो आप देख रहे हैं, ये सभी के चार्ट में आप देखेंगे कि राहु का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जितने नेता होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, सभी के चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, कुंडली में राहु बहुत बड़ा रोल अदा करता है। राहु ही आपको राजा बनाता है, राहु आपको सन्यासी भी बना सकता है, राहु आपको राज पद भी दिला सकता है, राहु आपको राज सम्मान, राज तिलक करवा सकता है। अब यदि देखेंगे इन सबकी कुंडली देखेंगे आप, तो देखेंगे कि राहु किस प्रकार से इन लोगों की जिंदगी में ये खेल रचा है, खेला है। राहु और केतु ये दोनों मिलकर बनाते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष होने से जिंदगी में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि काल सर्प दोष होने से आदमी जिंदगी में तरक्की नहीं करता है, करता है, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और काल सर्प दोष को तोड़ने के लिए राहु और केतु को शांत करना होता है, जिसमें कि राहु के लिए होता है नौ मुखी रुद्राक्ष, और जो विगत वीडियो था केतु के लिए आठ मुखी रुद्राक्ष। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही काल सर्प दोष के लिए रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बनता है। नौ मुखी रुद्राक्ष डोनेशन भी आता है, नेपाल के भी आता है, डिपेंडिंग ऑन द अफोर्डेबिलिटी, कितना अफोर्ड कर सकते हैं आपको खरीदना चाहिए। आप यदि खरीदना चाहते हैं हमसे तो हमारे वेबसाइट विजिट करें www.whitelotusspirituality.com। आपके चार्ट में राहु कैसा है, क्या आपको नौ मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, इसके बारे में यदि परामर्श करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो भी इसी वेबसाइट में लिंक दिए गए हैं। नौ मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, गले में पहन सकते हैं, आप वेस्ट के पास ही पहन सकते हैं। यदि आप हाथ में पहनना चाहते हैं तो बाएं हाथ में पहने, इफ यू आर ए राइट हैंड पर्सन, बाएं हाथ में पहने या नीचे के हिस्से में पहने, और या उसको आप यहां भी पहन सकते हैं, बाजू में पहन सकते हैं। यदि आपके चार्ट में राहु की स्थिति ठीक नहीं है और आपको राहु की बाधाएं आ रही है, राहु यदि आपके शादी के घर को देख रहा है या शादी के घर में बैठा हुआ है, तो नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभकारी होगा। क्योंकि राहु यदि मैरिज हाउस को, शादी घर को देखता हो या शादी घर में बैठा हो, तो डिवोर्स के चांसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि शादी को बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि आपके जीवन में, संबंधों में, शादी में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो जरूर चेक करें कि आपका राहु कैसा है। मंगल भी इसमें बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में जो हमने वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यदि शादी घर में होगा, या मंगल यदि शादी घर में बैठा होगा, तब भी शादी में इस प्रकार के दरारें पैदा हो जाती हैं और झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो यदि झगड़े ज्यादा हो रहे हो, तो सिक्स मुखी रुद्राक्ष, छह मुखी रुद्राक्ष या नाइन मुखी, नौ मुखी रुद्राक्ष, दोनों का कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं। और काल साहब को मैं बताया आपको कि नौ मुखी और आठ मुखी का
कॉम्बिनेशन कैसे पहन सकते हैं आप। यदि राहु आपके भाग्य घर में बैठा हुआ है तो आपको राजपत्नी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। राहु आपके आपको ये कामयाबी देता है और आपको विदेश भी लेके जाता है, जैसे आपके हाउस ऑफ प्रोफेसर में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस में बैठा, आए घर में बैठा हो, तो विदेश जाने का योग बनाता है। यदि विदेश जाने में आपको परेशानी हो रही है, मुश्किलात हो रही हैं, आप जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, जॉब असाइनमेंट में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, कुछ बाधाएं हो जाती है, मतलब होते होते काम रुक जाता है, तो आप देखिए कि राहु का क्या कनेक्शन है। नौ के रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। यदि आप श्योर नहीं भी हैं और नौ के रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष कोई भी रुद्राक्ष कोई हानि नहीं करता है, क्योंकि रुद्राक्ष बूस्टर्स नहीं है, जेमस्टोन बूस्टर्स होते हैं, तो जेमस्टोन जो है ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं लेकिन रुद्राक्ष कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो नौमुख रुद्राक्ष अवधारण करने से आपको माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि नौमुखी रुद्राक्ष में दुर्गा जी का वास होता है। दुर्गा जी आपको देती है प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा करती है, आपत्ति विपत्ति में दुर्घटनाओं से आपको बचाती है और रोग से आपको बचाती है, क्योंकि राहु गलत जगह बैठा हो तो आपको रोग ग्रस्त कर सकता है, आपको आप स्किजोफ्रेनिक हो सकते हैं, आपका मस्तिष्क में विभ्रांति हो सकती है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, आप पागल जैसा हरकत कर सकते हैं, इतना गुस्सा राहु दिला सकता है कि आदमी मर्डर तक कर बैठता है, क्राइम में घुस जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। तो नौमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपका मन शांत रहेगा, एनर्जी आपकी बनी रहेगी, दुर्गा जी का आपका आशीर्वाद रहेगा और आप विजयी होंगे, काम में विजयी होंगे, सम्मान मिलेगा आपको, बड़े बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, उनसे संपर्क साधने में भी आपको आसानी होगी, विदेश यात्रा का योग बना सकता है, ये सभी चीजें हो सकती हैं आप यदि नौमुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। तो आप हमसे ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं, जैसे मैंने बताया हमारा वेबसाइट www.whitelotusspirituality.com, इसको देखें और इससे ऑनलाइन आप नौमुखी रुद्राक्ष हमसे खरीद भी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे इसी वेबसाइट को लॉग इन करें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं और हमारे नंबर भी इसमें हैं और आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रजनों को बताएं, अपने परिवार वालों को बताएं, जिसके आप हितैषी हैं उनको ये फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष आप होता है विष्णु जी का, भगवान कृष्ण का। ये देता है आपको प्रोटेक्शन, यदि आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, आपको डर लगता है, लगता है कोई एनर्जी घर में घुस गई है, कोई भूत प्रेत की शंका हो, मन में इस प्रकार के विचार आते हो, डरने वाले विचार, भयानक विचार, सपने बहुत गंदे, खतरनाक सपने, डरावने सपने, सोते होते आप उठ जाते हैं। यदि ऐसा बच्चों को भी हो रहा है, आप देखते हैं बच्चा सो रहा है अचानक जग जाता है, डर के बाद रोने लगता है, तो समझ जाइए कि कुछ इशू हैं जहाँ की ये 10 मुखी रुद्राक्ष काम कर सकता है। 10 मुखी रुद्राक्ष प्रोटेक्ट योर ऑरिक बॉडी, आपके ऑरा को, जो विद्युत शरीर आपके पार्थिव शरीर के चारों तरफ है, फिजिकल बॉडी के चारों तरफ है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे सब जानकारी के साथ। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी। नमस्कार।